में बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस सिलसिले में सोमवार को राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि नई एडवाइजरी के बाद अब पीड़ित की शिकायत तुरंत दर्ज करनी होगी, साथ ही 24 घंटे में इसका मेडिकल भी कराना होगा। इतना ही नहीं, कोई थाने में ये कहकर इनकार नहीं कर सकता कि मामले उनके इलाके के नहीं है। अब शिकायत दर्ज नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी। मामले में जांच भी 2 महीने में पूरी करनी है। बलात्कार की शिकायत पर FIR तुरंत दर्ज होनी चाहिए। क्षेत्राधिकार का बहाना करके आप उसकी FIR नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है। मानवीय दृष्टिकोण के साथ में कहा है कि जो भी संबंधित अधिकारी उस समय थाने में उपस्थित है, अगर उसने FIR नहीं की है तो उस संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा और दंड करने का ये प्रावधान पहले नहीं था। बलात्कार के केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी हो, एक सीमा अवधि निर्धारित हो गई है। FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट भी कलेक्ट करें। वहीं सरोज पांडे ने मंत्री शिव डहरिया पर भी इस दौरान निशाना साधा। करती एक महिला होने के नाते मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कहती हूँ कि जो शिव डहरिया जी ने कहा और मोहन मंडावी ने कहा, उसकी कोई तुलना आप नहीं कर सकते। ये यहाँ छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी वो घटना छोटी थी, और आपके यहाँ पर यूपी में जो घटना घटी वो घटना बड़ी थी। शिव डहरिया जी ने यह विषय कहा, हमने उस विषय पर अगर बोला तो हमने कहाँ गलत कहा। मोहन मंडावी जी ने जिस विषय को कहा, मैंने आपको बात की मैं शुरुआत में स्पष्टता से कहा कि आप उनकी बात को, आप उनके साथ में शायद अगर बैठेंगे तो वो अपनी बात को समझा पाएंगे। बहुत बार बात को रखने के शब्दों के हेरफेर के कारण भी विषय परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मंत्री जी ने जिस विषय को रखा वो विषय बहुत स्पष्ट था, और उन्होंने जिन विषय को रखा था उस पर कहीं अगर वो माफ़ी मांग लेते तो बात समाप्त हो जाती, बोलते समय कहीं गलती हो गई हो। लेकिन मोहन मंडावी जी ने जिस विषय को रखा है उनका ध्येय ये नहीं था कि वो घटना बड़ी है, ये घटना छोटी है, हम यहाँ पर किए, यहाँ वहाँ पर घटना नहीं हुई। घटना कोई भी हो, कहीं पर भी हो, किसी भी महिला के साथ हो, निंदनीय है, शर्मनाक है।